हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रोटियां बना रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी आटा कैसे गूंथते हैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। तो फिर आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए व्हीट फ्लार, जिसे हम गेहूं का आटा कहते हैं, थोड़ा सा पानी और ऑयल। तो जिस बर्तन में आपको आटा गूंदना है आप उसमें ले लीजिए आटा, एंड देन आप धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड कीजिए। आप धीरे धीरे वाटर ऐड कीजिए, एक साथ मत ऐड कीजिए क्योंकि आटा गीला हो सकता है। तो धीरे धीरे जब आप पानी ऐड करते जाएंगे तो वो लम्स फॉर्म हो जाएगा, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारा आटे ने पानी जब सोख कर लेता है अब आपको दिखेगा कि ये आटा पतीला जिस बर्तन में हम बना रहे हैं वो बर्तन कुछ स्टिक नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कोई पाउडर नहीं है और स्टिक नहीं हो रहा है। अब इस पॉइंट में आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसके बाद वो वाला ऑयल आपको आटे में लगाना है अच्छी तरीके से। तो आपको इस मोमेंट में आपको आटे को अच्छे से स्मैश करना है, या क्या कहते हैं उसको, आप मिक्स कीजिए अच्छे से और चारों तरफ उसके ऑयल लगा दीजिए। देखिए मैं तो ऐसे ही गूंद रही हूँ और आप देखेंगे जिस बर्तन में हमने आटा गूंदा था वो एकदम क्लियर हो गया है। यही एक इंडिकेशन है कि आपका आटा अच्छे तरीके से गूंद चुका है। तो अब इस आटे को आप कवर करके थोड़ी देर रखिए और उसकी रोटियां बनाइए। आई होप कि आपको रोटियां बनानी आती होंगी। और जितना आटा मैंने गूंदा था उसके मैंने इतनी सारी रोटियां बना ली है, एंड खाना हमारा बन चुका है। तो अब हम इस खाने को खाएंगे, एंड इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।